कि मैंने कभी किसी लड़के को अपना बदन नहीं छूने दिया और हम इसको छूने दिया तो इसने ऐसा इस्तेमाल किया कि हमें कहीं का छोड़ा ही नहीं, जिसके साथ हम रात रात सोते रहे। अगर वो इंसान बदनामी का कारण लगा दे तो आप खुद समझ सकते हो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे तो कुल मिला के हमारे साथ बुरा भी नहीं करते। तो संबंध बनाते हुए रूम में का वो प्राइवेट वीडियो भी आपके पास? हाँ, मेरे पास है सर। मतलब मेरे पास जो कानपुर में जो बनवाए हैं उन्हें बाबू को भी पता है। मेरा प्यार सच्चा था दोनों का, क्योंकि मैंने फोटो नहीं खींचा था, मेरे मोबाइल से मेरे बाबू ने फोटो खींचा है, ओपन ओपन वीडियो। बाबू ने हमें छोड़ के साथ चला गया तो बोलते कोई बात नहीं तुम इधर आओ। वो लेने आई, मेरे पास पैसा नहीं था, वो शायद बनारस की है, वो हमको लेने आई, हमको लेके थिएटर चली गई सर। मतलब वही लड़की आपको थिएटर लेके चली? हाँ, बोली चल काम करते हैं चल के। और तो हमने कहा कैसा होता का, चलना हम तुम्हें बताएंगे। एकांत यानी कि फौजी भाई के घर पे आप गई थी, अपने ससुराल में गई थी? ससुराल में रहे हम 6 महीना। कितना दिन आप रहे? 6 महीना रहे। सही में? कसम से। वो लोग तो सीधे नकार रहे हैं कि आप उनसे शादी नहीं की है, प्रूफ नहीं है, तब कैसे? तो गाँव जाए ना, गाँव में पता करे ना, महिला थाना जाए ना, जो हम वहाँ पे रखवाए गए थे। ठीक है, आपने हमें धोखा दिया, आपने शादी करी, संबंध बनाए, घर तक ले गए, आपने हमें छोड़ दिया। जब हम पहले से दुखी थे तो फिर मेरी जिंदगी और झंडकाए बना। अभी हमारे साथ शांति कश्यप है, जो फौजी भाई को ट्रेन में इनसे प्यार हो जाता है, कैसे होता है क्या होता है सब आप लोग जानते हैं। अभी ये वही शांति कश्यप है जिन पे आरोप लगाया जा रहा है कि शांति कश्यप फौजी भाई से 12 लाख रुपया मांग रही है। शांति कश्यप जो है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पतियों से शादी कर रखी है। बाकी सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाएंगी, सब पर्दाफाश करेंगी। और सबसे बड़ी बात कि इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है कि थिएटर में काम करती हैं, थिएटर में कब काम करती हैं, क्या है सच्चाई, सब कुछ दिखाएंगे और सब बताएंगे, सब इनसे पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप एक नहीं, दो नहीं, चार पतियों के साथ जो है कि सोई हैं या चार पति आपके हैं, क्या सच्चाई? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे बिहार में सपोर्ट करते हैं, जितना यूपी, जितना भी जहाँ तक जाता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इसलिए मुझे ज़्यादा ही कुछ बदनाम किया जा रहा है ना उनके पाने के लिए कि ये कैसे करके जाए और उनसे 2 लाख रुपया तक लिया गया है। तो मेरा ये थिएटर वाला जाने के लिए शायद भाई साहब को पता नहीं है, तो मैं इनको बताना चाहती हूं। ये बताइए आपके पति कितने हैं? जो चार पति का आरोप आप पे लगाया जा रहा है। तो मैं यही कहती हूं, फोटो दिखा दिखा। हाँ, जैसे कि ये अपर्णा मैडम बैठी है, मैं उनका सम्मान करती थी, इज्जत करती थी, लेकिन अब नहीं। जो मेरे भाई को पवित्र रिश्ता को उसने आदमी बना दिया ये नकटिया ने, तो मैं इसको ये बोलती हूँ कि तेरा, तू कैसे बोल सकती है कि मेरे तीन तीन पति हैं? अगर तू तीन पति थे, तू जांच करने गई थी तो तू पहले पति से किया और दो पति क्यों नहीं किया, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मतलब कौन आप बोल रहे हैं कि पति नहीं, वो हमारा भाई है, कौन सा फोटो है आपके पास? हाँ, मेरा भाई है, सगा, हम एक खून है, हम एक माँ ने हमें पैदा किया है। तो हमारा मतलब, हमको ये इतना जलील कर रही है, मुझे हर बार सर मुझे आने के लिए बोल रही है, ये मेरा भाई है। और ये लोग पति बता रहे, ये हमारा पति बता रही है। जैसे कि बारात जाती है ना, पैसे की माला अपने भाई को नहीं पहनाया जाता है, तो मैंने वही पहनाया है और मैंने अरे उनके साथ भाई के साथ फोटो खिंचाया है। और एक और फोटो है सर, वो नीले कपड़े में पहन, वो भी मेरा भाई है चाचा, उसको भी मेरा पति बनाया जा रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये औरत इतना गिर सकती, इतना हमें परेशान करे, टॉर्चर करे, तो मैं ये कहती हूँ कि सबूत चाहिए हमें, मेरी जांच बैठलवाई। अगर ये जांच करने भी गई थी तो क्या करने गई थी वहाँ पे? जो मैं बोल चुकी हूँ सर कि मेरा पहला पति था, मेरा डिवोर्स हो गया, हमारा लेना देना कुछ नहीं, तो यही जब मैं मुँह से बोल रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। और वही बात फिर वहीं पे, मतलब फौजी भाई से पहले आपका एक पति था जिससे डिवोर्स हो गया, उसके बाद आप फौजी भाई के प्रेम में पड़ी, शादी हुआ जैसा बता रहे हैं, जो भी सच्चाई हो उसके बाद हुआ। हाँ, तो आपका शादी हुआ है फौजी भाई से? सच शादी किया, मेरा सिंदूर भरा, मेरा मंगलसूत्र भरा और थाना से मेरा कागज भी बना है। तो उसका प्रूफ कुछ है शादी वाला? क्या प्रूफ है आपके? प्रूफ ये लोग तो बोल रहे हैं शादी का कोई प्रूफ नहीं है, सामाजिक तौर पे आपने शादी किया नहीं है। वही ना, तो ठीक है, सामाजिक तौर पे नहीं किया था, सामाजिक तौर पे हमने रिलेशनशिप भी नहीं बनाया। सामाजिक तौर पे हमने जब आए, जब हमारा हम जब ससुराल गए तब हमने महिला थाना गए और हमने वहाँ कागज बनवाया और कागज बनवा के और फिर इसके बाद हम ससुराल गए ताकि हम 6 महीना रहे। 6 महीना के बाद हमें निकाला गया।
जो आपको मतलब सूर्यकांत यानी कि फौजी भाई के घर पे आप गई थी, अपने ससुराल में गई थी? ससुराल में रहे हम 6 महीना। कितना दिन आप रहे? 6 महीना रहे। सही में? कसम से। वो लोग तो सीधे नकार रहे हैं कि आप उनसे शादी नहीं की है, प्रूफ नहीं है, तब कैसे? तो गांव जाए ना, गांव में पता करे ना, महिला थाना जाए ना, जो हम वहाँ पे रखवाए गए थे। ठीक है, ऐसे कैसे बोल सकती है ये? इतनी नकटिया है ना, हमें तो तब गुस्सा लगा जब मेरे 3 पति 4 पति बता दिए। बताइए सर। अच्छा ये बताइए, सब कुछ तो ठीक, क्या बिगड़ा? मैंने इसका क्या लिया है? इतना किया है कि इसने मुझे बुलाया था सर अपने ऑफिस। अच्छा, तो हम नहीं गए सर। कहीं नहीं गई, इसी का गुस्सा तो नहीं निकल? हाँ सर, ऐसे ही कुछ बात है। हमें सर प्रशासन ने मना किया कि मत जाना बेटा, देखो जमाना सही नहीं, बिहार सही नहीं, कभी भी कुछ कर सकते हैं, मार दे सकते हैं। हाँ। तो सर मैंने नहीं गई, तो मेरे जो गलत गलत ऑप्शन, गलत गलत रिकॉर्डिंग, धंधा वाली, इस ऐसा लगता है जी अपना मैडम है ना जो, ये गई है धंधा में। मतलब हाँ, धंधा वाली का आरोप लग रहा है आप पे कि आप थिएटर करने गई हैं, वो क्या सच्चाई है? आपका वीडियो भी है भाई, वो झूठा कुछ नहीं है? आप डांस कर रही हैं स्टेज पे? थिएटर में गए, थिएटर में गए, थिएटर में आप गई हैं? सच? हाँ सच्ची में गए सर। क्यों, कैसे चल गई, कब चली गई? अब ये हुआ सर कि जैसे कि हम जहानाबाद में बाबू हमको रूम लेके रखता था, बाबू मतलब वो फौजी, हाँ, तो ये इन्होंने हमको पटना में छोड़ दिया दोस्त के चक्कर में। अच्छा। और जब भाग गए तो सर, भाग गए तो मेरे पास ये भी रिकॉर्डिंग, आपको सुनाऊं क्या? रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, हम लगा देंगे। तो सर यही है कि छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए तो मैं सोची यहीं कहीं होंगे आसपास, क्योंकि स्टेशन पे तो नहीं छोड़ के जाएंगे, हमें बैठा लेंगे तब ना जाएंगे। तो फिर मंदिर, जो मंदिर हनुमान, स्टेशन पे ही फौजी भाई आपको छोड़ के चले? हाँ छोड़। हमने कहा कहाँ, बोले दोस्तों के चक्कर में भग रहा हूँ, शाम को आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक, मैं सही में उसके दोस्त लगे हुए थे, ये मनीष का एक मामा है रानीपुर का, वो भी पीछे लगा हुआ था। तो सर और 2-3 और लोग थे, तो जब भग गए तो हमने कहा शाम तक तो आ जाएंगे, शाम को नहीं आए बस सर, नहीं। फिर उसके बाद फिर सुबह किया, करवाया उसी के दोस्त से करवाया, यो आते थे मुझे खाना देने, ठीक है, मैंने उनसे करवाया, बोले कि आ जाऊंगा 2 बजे तक आ जाऊंगा। रात हो गई, नहीं आए। 3 दिन हो गया सर, 3 दिन हो गया जाड़े में हम लेटे रहे साल ओढ़ के स्टेशन पर। हाँ, फिर फोन किया, लास्ट इनका कॉल आता है कि हम बहुत दूर निकल आए, हम आ गए ड्यूटी पे। अच्छा। अब तो मेरी अब तो मुझे ऐसे सदमा लगा था ना कि अरे ये ड्यूटी भी चला गया इंसान और हमको हमको यहाँ छोड़ दिया, स्टेशन पे छोड़ दिया। हाँ सर। और फिर उसके बाद एक मेरी सपना सहेली है, उनसे हमने बताया कि देख सपना ऐसी ऐसी बात हो गई, बाबू ने हमें छोड़ के साथ चला गया। तो बोलते कोई बात नहीं, तुम इधर आओ। वो लेने आई, मेरे पास पैसा नहीं था, वो शायद बनारस की है, वो हमको लेने आई, हमको लेके थिएटर चली गई सर। मतलब वही लड़की आपको थिएटर लेके चली? हाँ, बोली चल काम करते हैं चल के। और तो हमने कहा कैसा होता, कहा चल ना हम तुम्हें बताएंगे। अच्छा ये बताइए, सब लोग का बात सही है, सब लोग ना आपके अपने हैं ना कुछ हैं, लेकिन आपका अपना ये फौजी लड़का जो आपसे, आप बोलती हैं कि प्यार करता है, वो लड़का प्यार करता था, और वो कैसे धोखा दे दिया कि वो दूसरा शादी भी कर लिया आपको छोड़कर, आप यहाँ पे दर दर भटक रही हैं, तो वो कैसे आपसे प्यार करता था? अब मुझे तो नहीं लगता है कि प्यार करता था, मुझे तो यही लगता है कि इन्होंने मेरे साथ गलत कर दिया और विश्वास दिलाया और महीना महीना भर में बने रहे। कोई लड़का ऐसा नहीं करता है, लेकिन इन्होंने महीना महीना रहे, हमें पूरा विश्वास हो गया, अपने गांव तक लाए मुझे विश्वास हो गया, अपने घर तक ले गए हमें विश्वास हो गया। जब भी इनका नाम आता है, फौजी लड़के का नाम आता है, तब आप रोने लगते हैं अपने प्यार को सोच के, पहले वाले बातों को सोच के? क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की को अपना बदन नहीं छूने दिया और हम इसको छूने दिया, तो इसने ऐसा इस्तेमाल किया कि हमें कहीं का छोड़ा ही नहीं, जिसके साथ हम रात रात सोते रहे। अगर वो इंसान बदनामी का कारण लगा दे तो आप खुद समझ सकते हो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे तो कुल मिला के हमारे साथ बुरा भी नहीं करते, हमारा ये मतलब है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं शादी का फोटो वीडियो ये रखी नहीं है और कोई प्राइवेट वीडियो आप लोगों का है एक कमरे में का, मतलब पूरा फिजिकली आप लोग हैं, संबंध बनाए वैसा कोई वीडियो, तो वो लोग बोल रहे हैं वो वीडियो रखी है और शादी का वीडियो फोटो नहीं है इसके पास? शादी वीडियो, शादी का फोटो बांग भरते हुए, ठीक है, वो गुड़िया के पास है, मेरी भेज रही है गुड़िया। अच्छा, कोई प्राइवेट वीडियो आप लोग संबंध बनाते हुए रूम में का, वो प्राइवेट वीडियो भी आपके? हाँ, पास है? मेरे पास है सर, मतलब मेरे पास जो कानपुर में जो बनवाए हैं उन्हें। हाँ। बाबू को भी पता है, उन्हीं का कपड़ा पहन के वो बहुत वीडियो में बहुत। एक बात और बताए, मेरा प्यार सच्चा था दोनों का, क्योंकि मैंने फोटो नहीं खींचा था, मेरे मोबाइल से मेरे बाबू ने फोटो खींचा है, ओपन ओपन वीडियो, उनको मैं उनको खुद समझ में आ रहा, ओपन फोटो वीडियो बाबू ने मेरे ही मोबाइल में खींचा है। हाँ। हाँ, मैंने तो खींचा नहीं, मुझे तो दिमाग ही नहीं था, उन्होंने मेरा मोबाइल लेके खींच के और मेरे ड्राइव में बंद कर गए थे। हाँ। वही बंद कर गए थे और जे भी कह रहे थे कि देख शांति ये फोटो एक क्या पेन ड्राइव आता क्या होता है, पेन ड्राइव कह रहे थे उसमें कर लेना।
मतलब कि इसको एकदम संभाल प्यार था। हाँ, उनको बहुत प्यार था हमसे, तब ना हम उनको नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये मतलब फोटो वीडियो वायरल हो जाएगा तब तो और फंस जाएंगे वो। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं, देखो मैं अभी प्यार करती हूँ, मैं उन्हें गिराना नहीं चाहती, किसी के वीडियो के जरिए मैंने उनको अभी गलत नहीं बोला।